ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तमाम जिम्मेदारान और उम्मीदवार एमएलए की जानिब से अपने अपने असेंबली हलकों में बड़े ही शानदार और तूफानी तरीके से इंतखाबी मुहिम व पैदल पदयात्रा का अहतमाम करते हुए आवाम से खसूसी खिताब करते हुए इन्हें पतंग के निशान को वोट डालकर भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की गुजारिश की जा रही है। कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर आज बतारीख 9 नवम्बर बरोज़ जुमेरात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान एमएलए उम्मीदवार कौसर मुहियुद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटर्स इब्तदाई सदूर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स और आवाम की कसीर तदाद के साथ हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जिसमें मिलन बेकरी मैलमेट बड़ी मस्जिद इकरा स्कूल महबूब कॉलोनी रिलायंस स्कूल तालागड्डा तालीम अमलापुर और आसपास के इलाके शामिल है डोर टू डोर घूम फिर कर तमाम आवाम से गुजारिश की गई। इस मौके पर रिहायशियों से कहा गया कि आने वाले 30 तारीख को यानी 30 नवंबर को असम्बली इंतखाबात के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत में अक्सरियत से वोट डालकर MIM की जीत को यकीनी बनाए। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनासिर। पेश है टॉप न्यूज़ उर्दू की एक खसूसी रिपोर्ट। काम करना दिसंबर की 20 तारीख के बाद एक बार मिले आप पतंग के निशान तोड़ डाला अरे सर दो में कैसे से तबियत वाला ठीक है ना रेडी नहीं।